शर्मा और आप देख रहे हैं यू इंडिया न्यूज। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ भगवती की पूजा कैसे की जाए, किस तरह उनको प्रसन्न किया जाए। माँ भगवती को प्रसन्न होने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे की जाए। त्रियोगी जय माँ विंध्यवासिनी। आज नवरात्र का चौथा दिन है। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में आए हुए सभी भक्त आज माता के चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आदिशक्ति माता कुष्मांडा वो हैं जिनके उदर से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसी कारण इन्हें माँ कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। माता कुष्मांडा सूर्य मंडल के मध्य में निवास करने वाली भगवती है। ये सिंह की सवारी पर आरूढ़ रहती है। माता कुष्मांडा का मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त रहता है। देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए इस मां को मां अष्टभुजा भी कहते हैं। देवी के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा है। देवी के आठवें हाथ में कमल गट्टे की माला है। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। माता कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। कुष्मांडा के पूजन से साधक अनाहत चक्र को जागृत कर सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। यह माँ सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती है। देवी कुष्मांडा को योग ध्यान की देवी भी कहते हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। यह उदराग्नि को शांत करती है, इसलिए देवी का मानसिक जप हम सबको अवश्य करना चाहिए। माता के पूजन में साधकों को चाहिए कि वे आज लाल रंग के वस्त्र को धारण कर माता के मंत्र ऐं ह्रीं देव्यै नमः का अधिक से अधिक जप करें। इससे मां अति प्रसन्न होंगी, भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। माता को आज पूजा में हमें पुष्प के रूप में देवी फूल, गुड़हल या गुलाब के फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। आज माता के भोग प्रसाद में मां को आज मालपुए का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों में वितरित कर देना चाहिए। इससे मां अति प्रसन्न होती है, अपनी कृपा बरसाती है। माता कुष्मांडा के प्रार्थना मंत्र हैं, सूर्य संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा सुभदास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी नवरात्र के चौथे दिन की जानकारी। कल हम फिर मिलेंगे नवरात्र के पांचवें दिन की जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।